आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आया हुआ हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस, और आज मैं आपको कनॉट प्लेस की आर्ट गैलरी दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, यहाँ की लोकेशन क्या रहने वाली है, यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा रहने वाला है, सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। यहाँ की लोकेशन M12 M ब्लॉक कनॉट प्लेस रहेगी, और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन राजीव चौक का रहेगा। यहाँ की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक रहती है, संडे के दिनों में ये आर्ट गैलरी बंद रहती है। तो ये है यहाँ का एंट्री गेट, आप सामने देख सकते हैं कितना सुंदर ये एंट्री गेट यहाँ पर बनाया हुआ है, और ऊपर लिखा है दिल्ली बुक को, और यहाँ से अंदर एंट्री होगी। तो ये देखिए हमने अंदर एंट्री कर ली है, और अंदर एंट्री करते ही आपको श्री कृष्ण जी की यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग दिख जाएगी। आप ये हॉल देख सकते हैं, यहाँ पर जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं ये देख सकते हैं। पहली पेंटिंग हमारे को श्री राधा कृष्ण जी की देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इसके अंदर वर्क किया हुआ है, और कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन करके इस पेंटिंग को यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर ये पेंटिंग है, और जिसने ये पेंटिंग बनाई है उसका यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हैं, और कितने बाई की पेंटिंग है ये भी आप देख सकते हैं। और ये सेकंड पेंटिंग आप देखिए यहाँ पर काफ़ी यूनिक सी पेंटिंग ये देखने के लिए मेरे को यहाँ पर मिल रही है, और इसके अंदर कुछ थ्रेड वर्क भी किया हुआ है और कुछ पेंट भी यूज़ करके इस पेंटिंग को बनाया हुआ है। और ये वाराणसी का सीन इसके अंदर दिखाया गया है, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर थोड़ा थ्रेड वर्क भी इसमें हुआ हुआ है, और यहाँ पर ये गंगा नदी दिखाई हुई है, और इसके अंदर नावें चलती हुई दिखाई हुई हैं, कुछ घाट यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो जिस भी आर्टिस्ट ने ये बनाया हुआ है, और बहुत ही अच्छी पेंटिंग यहाँ पर ये बनाई, काफ़ी अच्छी पेंटिंग मेरे को ये लगी। और ये देखिए विनीता क्रीम्स की शायद ये पेंटिंग, इनका नाम अभी मैंने पढ़ा। और ये देखिए इन्होंने यहाँ पर एक नावें बनाई हुई हैं, काफ़ी सारी नाव यहाँ पर किनारे के ऊपर खड़ी हुई हैं, ये देखिए कितनी सुंदर ये पेंटिंग है। और दूसरी पेंटिंग आप देख सकते हैं ये वाली यहाँ पर, ये भी एक समुद्र का किनारा कुछ लग रहा है, और काफ़ी सारी बोट यहाँ पर भी आपको दिख जाएंगी। तो बहुत ही बारीकी से यहाँ पर काम किया हुआ है हर पेंटिंग के अंदर, और इन पेंटिंग्स को आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। और ये देखिए ये वाली अभी मैंने आपको दिखाई थी वही वाली पेंटिंग दोबारा आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये काफ़ी सुंदर पेंटिंग मेरे को यहाँ पर ये लगी, थोड़ी छोटी थी और अच्छी थी, काफ़ी सुंदर मेरे को ये पेंटिंग लग रही है यहाँ पर। और बाकी ये देखिए ये सतीश पोल जी की यहाँ पर ये कोई क्रिएशन है, और ये देखिए नीचे एक मैन बना हुआ है जो कि उल्टा खड़ा हुआ है, ये मेटल में है, और इसके ऊपर देखेंगे आप एक मैन और खड़ा हुआ है, और ये शायद ये ब्रास के अंदर कुछ वर्क किया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए मैन दिखाया हुआ है ऐसे दौड़ते हुए, ये दिखाया हुआ है। और नेक्स्ट पेंटिंग आप देखिए यहाँ पर ये काफ़ी सुंदर सी और यूनिक सी पेंटिंग एक यहाँ पर ये दिख रही है, ये भी आप वाटर का सीन देख सकते हैं, इसके अंदर नदी है, नदी के ऊपर नावें हैं। और ये वाली पेंटिंग देखिए इसके अंदर ये मेंस और वुमेंस के यहाँ पर फेस दिखाए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं। ये पेंटिंग्स जो है आप लाखों रुपए की इनकी कीमत होती है, तो काफ़ी महंगी पेंटिंग्स होती है, बहुत टाइम इनको बनने में लगता है, कोई कोई पेंटिंग को लगभग 1-2 साल भी लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक आर्टिस्ट की सोच होती है कि वो क्या दिखाना चाहता है और क्या वो बनाना चाहता है, तो काफ़ी टाइम भी पेंटिंग्स में लग जाता है, और वो पेंटिंग्स बड़ी महंगी मिलती है मार्केट के अंदर। तो एक ही आप सामने देख सकते हैं ये कुछ मॉडल बनाया हुआ है, ये एक वुमन मॉडल यहाँ पर बना करके दिखाया हुआ है, ये देखिए कान के अंदर इयररिंग्स डाले हुए इन्होंने और ऊपर टीका भी लगाया हुआ है। और ये पेंटिंग आप देख सकते हैं ये यहाँ पर दुर्गा दिखाई हुई हैं, और यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं और मैंस हैं ये यहाँ पर दिखाए हुए हैं। और इधर देखिए ये वाली पेंटिंग काफ़ी सुंदर मेरे को यहाँ पर लगी, यहाँ पर देखिए आपको गाय बैल ये मिलेंगे, और इनके अंदर जो है इंडियन लॉर्ड्स और गोडेस की यहाँ पर आपको छोटी छोटी पेंटिंग देखने के लिए मिलेगी। और ये वाली पेंटिंग देखिए मेटल के अंदर है, ये भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये वुमन का फेस बनाया हुआ है, ये देखिए ये सेंटर में रखा हुआ है बिल्कुल हॉल के। और ये आप देख रहे होंगे ये है लॉर्ड कृष्णा, ये शायद ये वुड के अंदर बनाई हुई है ये आर्ट, ये देखिए
काफ़ी ब्यूटीफुल आर्ट है। ये एक ही सिंगल हॉल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा बड़ा गैलरी नहीं बनाई हुई है, ये छोटी ही गैलरी है, लेकिन कनॉट प्लेस के अंदर ये आपको गैलरी मिल जाएगी। अगर आप आर्ट लवर हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर ये पेंटिंग्स देख सकते हैं और यहाँ से आप ख़रीद भी सकते हैं पेंटिंग्स। काफ़ी सुंदर सुंदर आर्टिस्टों ने यहाँ पर आ कर के अपनी पेंटिंग डिस्प्ले की हुई हैं। तो ये देखिए, एक मॉडल आप ये सामने देख सकते हैं, और ये देखिए यहाँ पर ये वाली पेंटिंग देखिए, और ये देखिए इसके अंदर ये 3D टाइप है, इसके अंदर बटरफ्लाई आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी यूनिक सी और सुंदर मेरे को पेंटिंग लगी। और ये वाली देखिए, इसके अंदर एक जंगल टाइप वो किया हुआ है, और फ्रूट के पेड़ यहाँ पर हैं, देखिए एप्पल लगे हुए हैं इसके अंदर, और बर्ड्स वगैरह इसमें दिखाए हुए हैं। अगर आप आर्ट लवर हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा आर्ट गैलरी ये नहीं मेरे को लगा, यहाँ पे छोटी ही आर्ट गैलरी बनाई हुई है, और यहाँ पर पेंटिंग्स भी कुछ लिमिटेड ही आपको लगी हुई दिख जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, छोटा सा हिडन जेम है ये दिल्ली का। तो मैंने यहाँ पर विज़िट किया आपको दिखाने के लिए ये आर्ट गैलरी कैसा है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये ना सोचें कि काफ़ी बड़ी आप आर्ट गैलरी यहाँ पर देखेंगे, छोटी आर्ट गैलरी लेकिन अच्छी है, फ्री में आप आर्ट गैलरी विज़िट कर सकते हैं। अगर आप आर्ट लवर हैं तो आपके लिए ये मस्ट विज़िट प्लेस है। अगर आप CP में आते हैं तो CP में आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स दिख जाएंगे, और यहाँ पर घूमने की जगहें भी काफ़ी हैं, आप यहाँ पर घूम सकते हैं। CP के अंदर करने के लिए आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे जो है शोरूम्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आप सेंट्रल पार्क जा सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे आपको गेमिंग जोन भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर गेम्स भी खेल सकते हैं। आप पालिका बाज़ार के अंदर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे शॉपिंग के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलता हूँ आपसे मैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।